हेलो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर्स के अंदर हमने साइंस का चैप्टर नंबर 3 के अंदर प्लास्टिक्स के बारे में पढ़ा था, प्लास्टिक के अलग अलग टाइप्स के बारे में, उसके एग्जांपल्स, उस एग्जांपल्स कौन कौन सी चीज़ों में काम आते हैं वो हमने पढ़ा था, और कुछ थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी थी। अभी आज के लेक्चर के अंदर हम प्लास्टिक की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उन्हें डिटेल के अंदर हम पढ़ेंगे। सो वन बाय वन चलिए स्टार्ट करते हैं। तो प्लास्टिक्स जो है वो ज़्यादातर हम रेगुलर यूजेस में सभी चीज़ों के अंदर यूज़ करते हैं। कोई भी चीज़, फॉर एग्जांपल वाटर, मिल्क, पिकल्स, ड्राई फ्रूट, ये सारी जो चीज़ें बाज़ार के अंदर मिलती है या फिर घर में हम स्टोर करते हैं, वो किसी ना किसी प्लास्टिक की चीज़ों में शायद हम स्टोर करते हैं। उसका रीज़न क्या है कि प्लास्टिक इतना ज़्यादा यूज़ होता है? तो रीज़न इज़ कि प्लास्टिक जो लाइट वेट है, उसकी प्राइस बहुत ही कम है, उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है, मतलब वो मजबूत है, और इजी हैंडलिंग, उसे संभालना बहुत ही आसान है, उसे संभाल कर रखना बहुत ही आसान है। जो भी मेटल्स होते हैं, मेटल से वो बहुत ज़्यादा लाइट होता है, मतलब मेटल से वो हल्का है। इसी वजह से प्लास्टिक जो है वो कार्स के अंदर, एयरक्राफ्ट के अंदर, स्पेस क्राफ्ट के अंदर भी यूज़ होते हैं। इसके अलावा प्लास्टिक के और कौन कौन से यूजेस हैं? तो स्लीपर्स, फर्नीचर्स, डेकोरेशन की चीज़ें, ये सभी चीज़ें बनाने के अंदर भी प्लास्टिक जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो इतना ज़्यादा यूज़ होने का कारण क्या है प्लास्टिक का? तो अभी वन बाय वन हम उसकी प्रॉपर्टीज़ समझते जाते हैं। तो फर्स्ट इज़ प्लास्टिक इज़ नॉन रिएक्टिव। प्लास्टिक जो है वो नॉन रिएक्टिव है। अब इसका मीनिंग क्या हुआ, तो मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि मान लो कि कोई एक आयरन की चीज़ है, कोई भी मेटल, फॉर एग्जाम्पल हम अभी आयरन का बात कर रहे हैं, तो कोई आयरन की चीज़ है, बहुत समय बाद, कुछ महीनों बाद, उसके अंदर धीरे धीरे आपको लगेगा कि उसका कलर चेंज हो रहा है, ओके? क्योंकि वो जो आयरन है वो धीरे धीरे उसका रस्टिंग चालू होता है, मतलब उसमें धीरे धीरे काट लगना शुरू होता है। लेकिन जो भी प्लास्टिक की चीज़ें वो ज़्यादा समय तक, लंबे समय तक, कितनी भी समय रहे तो ख़राब नहीं होती, वो चीज़ें बिल्कुल नई जैसी रहती, बिकॉज प्लास्टिक जो है वो नॉन रिएक्टिव है। तो जो भी मेटल्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आयरन, उसमें रस्ट लग जाता है, बिकॉज क्योंकि वो जो आसपास की एयर है और मॉइस्चर है दोनों के साथ वो प्रोसेस करता है, दोनों के साथ वो रिएक्शन करता है, इस वजह से उसके अंदर रस्ट लग जाता है। बट जो प्लास्टिक है, इट डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर एंड एयर, वो वाटर के साथ या फिर एयर के साथ, दोनों में से किसी भी चीज़ के साथ रिएक्ट नहीं करता है, एंड दैट्स वाई दे डू नॉट कोरोडेड, डू नॉट गेट कोरोडेड ईजिली, और इस वजह से उसमें आसानी से कोरोजन नहीं लगता, मतलब उसमें जंग नहीं लगता आसानी से, एंड दैट इज़ वाई वी यूज टू स्टोर वेरियस काइंड्स ऑफ मटेरियल्स इंक्लूडिंग मैनी केमिकल्स। इस वजह से प्लास्टिक जो है वो ज़्यादातर चीज़ों को स्टोर करने के लिए, जैसे केमिकल्स भी हो गए, इन सभी को स्टोर करने के लिए वो यूज़ होता है, क्योंकि वो उन सभी चीज़ों के साथ प्रोसेस नहीं करने वाला, कोई रिएक्शन नहीं करने वाला, इसलिए प्लास्टिक ज़्यादातर चीज़ों को स्टोर करने के लिए यूज़ होता है, वो ज़्यादा समय तक ख़राब नहीं होता। सेकेंड प्रॉपर्टी इज़ प्लास्टिक इज़ लाइट, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। प्लास्टिक जो है वो लाइट है, मतलब उसका वेट कम है, स्ट्रॉन्ग है, एंड ड्यूरेबल, ड्यूरेबल मतलब वो ज़्यादा समय तक टिकने वाला है। तो इसी वजह प्लास्टिक जो है वो ज़्यादातर चीज़ों के अंदर काम आता है। सो प्लास्टिक इज़ लाइट, स्ट्रॉन्ग, ड्यूरेबल, एंड कैन बी मोल्डेड इंटू डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस। तो प्लास्टिक बहुत ही लाइट वेट, हल्का है, स्ट्रॉन्ग है, ड्यूरेबल है, और उसे अलग अलग शेप्स के अंदर मोल्ड किया जा सकता है, मतलब उसे पिघाल के, मेल्ट करके अलग अलग शेप में हम बना सकते हैं। तो ये उसकी प्रॉपर्टीज है जिसकी वजह से वो ज़्यादातर चीज़ों में यूज़ होता है। साथ में प्लास्टिक जो मेटल से ज़्यादा चीप है, मतलब ज़्यादा सस्ता है, इस वजह से प्लास्टिक यूज़ करना ईजी रहता है इंडस्ट्री के लिए भी। चलो उसके बाद नेक्स्ट, अभी प्लास्टिक्स आर पुअर कंडक्टर्स। तो नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी हमारी है वो है प्लास्टिक बहुत ही पुअर कंडक्टर्स है। तो ये भी हमने पिछले लेक्चर्स के अंदर पढ़ा था स्टूडेंट्स, कि प्लास्टिक जो है उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी या फिर हीट इजीली पास नहीं हो सकती, और ये हमें फ़ायदा है कि उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी या फिर हीट पास नहीं हो सकती, तो फिर हम उसे ऐसी चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं जहाँ पर हमें इलेक्ट्रिसिटी और हीट से बचना हो। तो प्लास्टिक्स आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, एंड दैट इज़ वाई इलेक्ट्रिकल वायर्स हैव प्लास्टिक कवरिंग। और इसी वजह से जो भी वायर्स होते हैं इलेक्ट्रिकल, उसके ऊपर प्लास्टिक का कवर लगाया रहता है। तो आपने देखा ही होगा बहुत सारे वायर्स होते हैं, ज़्यादातर सभी वायर्स, उसके ऊपर प्लास्टिक की कवरिंग होती है।
तो प्लास्टिक इसी वजह से होता है क्योंकि अंदर उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, तो उसके ऊपर प्लास्टिक का कवर होगा, तो प्लास्टिक में से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं कर सकती, तो बाहर से वायर टच करने पर हमें करंट ना लगे। इसके अलावा जो स्क्रू ड्राइवर्स होते हैं उसके जो हैंडल्स है वही प्लास्टिक के ही बनाए जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट अभी हम पढ़ते हैं प्लास्टिक्स एंड द एनवायरनमेंट। तो प्लास्टिक जो है हमारे एनवायरनमेंट के लिए कैसा है, यूजफुल या फिर हार्मफुल, वो भी पढ़ते हैं। सो व्हेन वी गो टू मार्केट वी गेट यूजुअली थिंग्स रैप्ड इन प्लास्टिक और पैक्ड इन पॉलीथीन बैग्स। जब भी मार्केट जाते हैं तो हमें ज़्यादातर चीज़ें जो है प्लास्टिक की बैग्स के अंदर या फिर पॉलीथीन बैग्स के अंदर मिलती है, और दैट इज़ वन रीज़न वाई प्लास्टिक वेस्ट्स कीप गेटिंग अक्यूमुलेटेड इन आवर होम्स। और यही एक रीज़न है, बहुत सारे रीजन्स में से एक रीज़न, कि प्लास्टिक का जो वेस्ट है, प्लास्टिक का जो कचरा है, वो धीरे धीरे बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा है हमारे घरों के अंदर, और घरों में से फिर सीधे हमारे मोहल्लों के अंदर, और इस तरह से पूरे देश के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर बहुत सारा प्लास्टिक का जो वेस्ट है वो बढ़ रहा है। तो प्लास्टिक का जो डिस्पोजल है, मतलब प्लास्टिक को किस तरह से नष्ट किया जाए, किस तरह से डिस्ट्रॉय किया जाए, किस तरह से डिस्पोज किया जाए, ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। क्यों, तो अभी वो समझते हैं। तो दो टाइप की चीज़ें होती है, एक बायोडिग्रेडेबल और दूसरी टाइप की चीज़ें होती है नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो ऐसी चीज़ें कि जो भी बैक्टीरिया के साथ प्रोसेस करके वो धीरे धीरे ज़मीन के अंदर मिक्स हो जाती है, वैसी चीज़ों को हम बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल। सो मटेरियल विच गेट्स डिकम्पोज थ्रू नेचुरल प्रोसेसेस सच एज एक्शन बाय बैक्टीरिया इज कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल। एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको, कि मान लो कोई एक कागज़ है आपके पास, आपने ज़मीन में थोड़ा सा एक गड्ढा किया, उसमें कागज़ अंदर रखा और फिर ज़मीन को आपने ढक दी, तो कुछ हफ्तों के बाद जब आप वहाँ पे खोदोगे तो कागज़ आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि जो भी कागज़ है वो कंपोज्ड हो गए, डिकम्पोज्ड हो गए, ज़मीन के अंदर मिक्स हो चुका है। तो वैसी चीज़ों को हम बोलेंगे बायोडिग्रेडेबल। बट अ मटेरियल विच इज़ नॉट ईजिली डिकम्पोज्ड बाई नेचुरल प्रोसेसेस इज टर्म्ड एज नॉन बायोडिग्रेडेबल। पर ऐसी चीज़ें जो नेचुरल प्रोसेस से डिकम्पोज नहीं हो सकती उन्हें हम बोलते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल। फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई पॉलीथीन है, पॉलीथीन के बैग है, उसे उसी कागज़ की जगह पे अगर वहाँ पे आपने गड्ढा किया, वहाँ पे कागज़ की जगह हमने पॉलीथीन रखा, उसे आप ढक दोगे और अगर आप एक साल के बाद भी वहाँ पे खोदोगे तो आपको प्लास्टिक वैसे का वैसा ही मिलेगा। तो इसलिए उन चीज़ों को बोलते हैं हम नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो कागज़ जो है वो ज़मीन के अंदर धीरे धीरे डिग्रेड हो गया, बट जब ये प्लास्टिक हमने रखा था तो डिग्रेड हुआ नहीं ज़मीन के अंदर, डिकम्पोज नहीं हुआ। तो वैसी चीज़ें धीरे धीरे हमारे जो सोइल है, ज़मीन है, उसे नुकसान पहुँचाते हैं। तो इसीलिए प्लास्टिक वेस्ट है उसको अच्छी तरह से डिस्पोज करना बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ पर एक टेबल दिया गया जिसके अंदर सारे डिटेल्स है कि कौन सी चीज़ों को कितना समय लगता है डिस्पोज डिकम्पोज होने के लिए। पहला दिया है आपको वेजिटेबल, फ्रूट, ये सारी चीज़ें वो एक से दो वीक लेती हैं और इसलिए उसे बायोडिग्रेडेबल बोलते हैं। इस तरह से उसके बाद पेपर, कॉटन क्लॉथ, वुड और वुलन क्लोथ्स, तो उसमें 1-2 वीक से लेकर के ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल, 1 ईयर जितना टाइम लग सकता है उसे डिग्रेड होने के लिए। जबकि उसके बाद वाला नेक्स्ट दो कॉलम है टीन, एल्यूमिनियम और अदर मेटल्स, और दूसरा है प्लास्टिक बैग्स। तो ये दोनों चीज़ें वो नॉन बायोडिग्रेडेबल चीज़ें हैं। तो इसमें आप देख सकते हो मेटल्स को डिकम्पोज होने के लिए 100-500 ईयर्स, इतना ज़्यादा समय लगता है उसे डिग्रेड होने के लिए, इसलिए उसे बोलते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल चीज़ें। तो ये जो चीज़ें उतने समय के लिए ज़मीन के अंदर रहने पर ज़मीन को बहुत ही नुकसान पहुँचाती है। तो दूसरी थॉट आपको आएगा कि सर हम उसे जला भी सकते हैं, बट स्टूडेंट्स ये भी पोल्यूशन ही करेगा, क्योंकि उसे बर्न करने पर जो भी धुआं निकलता है वो धुएं के अंदर बहुत ही जहरीली गैसेस होती हैं, तो वो भी हमारे एनवायरनमेंट को एट द एंड तो कुछ ना कुछ नुकसान ही पहुँचाने वाली। तो द प्रोसेस इट रिलीजेस लॉट्स ऑफ पॉइजनस फ्यूम्स। तो उस प्रोसेस में बहुत सारे पॉइजनस फ्यूम निकलती है, मतलब कि जहरीली गैसेस निकलती है जो कि हमारे एटमोसफियर के अंदर पॉल्यूशन करती है। तो इस वजह से प्लास्टिक के जो भी चीज़ें हैं, जो भी वेस्ट है, उसे जितना हो सके कम करना बहुत ही ज़रूरी है। तो हम किस तरह से उसे कम कर सकते हैं, तो उसके कुछ कुछ पॉइंट्स हमें यहाँ पे दिए गए हैं। अवॉइड द यूज़ ऑफ प्लास्टिक एज फार एज पॉसिबल, जितना हो सके उतना प्लास्टिक की चीज़ों का हमें यूज़ कम करना चाहिए। मेक यूज़ ऑफ बैग्स मेड ऑफ कॉटन और जूट व्हेन यू गो फॉर शॉपिंग।
जब भी हम शॉपिंग के लिए जाए तभी हमें घर से अपनी खुद की बैग लेके जानी चाहिए जो कि कॉटन या फिर पेपर बैग्स की बनी हो, राइट, ताकि जितना हो सके उतना प्लास्टिक का यूज़ कम हो। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट शुड बी कलेक्टेड सेपरेटली एंड डिस्पोज ऑफ सेपरेटली। जो भी बायोडिग्रेडेबल चीज़ें हैं और नॉन बायोडिग्रेडेबल चीज़ें हैं उन दोनों को अलग अलग तरह से हमें कंटेन करना चाहिए ताकि उन दोनों को अलग अलग तरह से हम डिस्पोज कर सकें। तो इस तरह से हम अपने घर से थोड़ी सी स्टार्टिंग करके और प्लास्टिक के वेस्ट कम करने में और एनवायरनमेंट को पोल्यूशन से थोड़ा सा बचाने के अंदर अपना कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। इसके अलावा ये 4 अलग अलग प्रिंसिपल्स दिए गए हैं जिसको यूज़ करके हम एनवायरनमेंट को जो पोल्यूशन हो रहा है उसे थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हैं। तो 4 जो आर वाला प्रिंसिपल है इसे बोलते हैं 4R प्रिंसिपल। तो ये 4R प्रिंसिपल क्या है इसे स्टडी करते हैं। तो इसके अंदर 4R के अंदर 4 अलग अलग R वाले वर्ड्स हैं, रिड्यूस, रियूज, रिसाइकल एंड रिकवर। तो फर्स्ट इज रिड्यूस। रिड्यूस का मतलब होता है कम करना, तो हमें जितना हो सके उतना प्लास्टिक का यूज़ कम करना है। सेकेंड है रियूज। रियूज़ का मतलब होता है फिर से यूज़ करना। तो मान लो हमने कोई एक चीज़ खरीदी है प्लास्टिक की, राइट, कोई हमने चीज़ खरीदी उसके अंदर हमें बैग मिली है प्लास्टिक की, और प्लास्टिक की बैग मजबूत वाली बैग है, तो उसे हम एक बार सामान घर पे लाने के बाद दूसरी बार सामान लेने के लिए भी उसका यूज़ कर सकते हैं। तो फिर से हमें उसका यूज़ करना चाहिए ताकि ज़्यादा प्लास्टिक की जो वेस्ट है वो ना हो। तो इस वजह से फिर से यूज़ करना उसे बोलते हैं रीयूज़। उसके बाद थर्ड है रिसाइकल। रिसाइकल मतलब जो भी प्लास्टिक की आपकी चीज़ है, मान लो वो चीज़ किसी कारण से टूट जाती है, तो उसे फेंक देने या फिर जला देने से बेटर ऑप्शन है कि उसे रिसाइकल करके जो भी कंपनी रिसाइकल करती है उसे रिसाइकल करने के लिए देखें और फिर से उस प्लास्टिक में से नई चीज़ें बनाई जाए। तो थर्ड यही है रिसाइकल। फोर्थ रिकवर। रिकवर का मतलब कि जो भी चीज़ें अगर ख़राब हो जाती है प्लास्टिक की कोई चीज़ है तो उसे दूसरे किसी यूज़ में लेना। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो कि आप कोई प्लास्टिक की बाल्टी यूज़ करो, ओके, कुछ समय बाद वो बाल्टी है उसका जो हैंडल है वो टूट जाता है, तो उस प्लास्टिक को फेंक देने से बेटर ऑप्शन है कि हम उसमें मान लो कि थोड़ी सी मिट्टी डाल के और उसमें कुछ फ्लावर्स वगैरह उसमें उगा सकते हैं। तो इस तरह से हमने उसको रिकवर किया, दूसरी कोई चीज़ों के अंदर हमने उसे यूज़ किया। तो इन सभी ये 4R की मदद से हम प्लास्टिक की जो भी वेस्ट है उसे जितना हो सके उतना कम कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो इसी के साथ हमारा ये थर्ड चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। आप सभी को थर्ड चैप्टर पूरा एक बार टेक्स्ट बुक में से ज़रूर रीड करना है। ओके, हम मिलेंगे फिर अब अगले लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए आप सभी को गुड बाय, टेक केयर एंड ऑलवेज कीप लर्निंग।